हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। पर एक बज रहा है और अभी एक शादी में जाना है। सो पास में एक गांव है रहमतपुर करके, सो अब थोड़ी देर से निकला जाए शादी में। गर्मी इतनी ज्यादा है, कहाँ जा रहा है? हाँ मैं उधर खड़ी करके आता हूँ, उतर जा नानी के साथ। चल उतर जा। मेहनत के बाद अब जा करके पार्किंग मिली है, तो अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ शादी है। क्या है, खाना खा लिया कि नहीं? चलो हो गया, अब चला जाए वापस। चलो मेरा मूड चेंज हो गया है, सो अब चलते हैं इधर से पहले कोर्ट के तरफ, और थोड़ा वहाँ पर काम भी है, सो अब निपटाते हुए चलेंगे वापस घर। पर सबसे अच्छी जगह यही लगती है, ऐसा लगता है कहीं बाहर आ गया हूँ। तो ये नदी का जो साइड है, तो नदी में पानी है कि नहीं, क्योंकि उम्मीद कम है इस टाइम पर, इतनी गर्मी चल रही है। ये एकदम सूख सी गई नदी, पानी बहुत कम हो गया इसमें। अब चलते हैं ऊपर, चला जाए। गांव के अंदर तो इंटर हो गए। यहाँ के घरों को देखकर जितना अंदर जाते जाएंगे उतना ही ऊंचाई में लोगों के घर बसे हुए हैं। सभी के घर बहुत ऊंचाई में बसे हुए हैं। यहाँ पर अब चला जाए अंदर। वो ऐसे लोग हो गए घर बसे हैं यहाँ पर। इस टाइम पर 5 बज रहे हैं और मैं आकर के कोर्ट में रुक गया था, क्योंकि बारिश हो रही थी एंड काफी तूफान चल रहा था, तो इस वजह से मैं आकर के यहाँ रुक गया। एंड अब यहाँ से निकला हूँ, चल करके पहले वो शायद लोग को ले लेता हूँ शिवपुरी से, और फिर वापस रिटर्न घर चला जाए। रास्तों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पहले तो ये रास्ते अच्छे से बने नहीं है, अभी बारिश हो गई है, थोड़ा सा मौसम तो ठीक हुआ है, और अच्छी चीज ये है कि गर्मी बहुत कम हो गई है इस टाइम पर, होपफुली की धूप ना निकले थोड़ी सी भी। और रास्ता तो देख ही सकते क्योंकि पूरे रास्ते खराब पड़े हुए हैं और पानी भर गया है सबने, और गांव के अंदर के तो और ही हाल खराब थे। अब तो खैर गांव से बाहर निकल आए हैं, हसन संजरी स्कूल के सामने ये स्कूल, चला जाए। हम लोग मस्जिद क्रॉस कर चुके हैं, अब अराउंड 3 किलोमीटर आ चुके हैं ये परकोट से, लगभग नदी के पास। ये अभी तूफान की वजह से ये पेड़ गिर गया, अगर काटे ना हो गए। चलो निकल जाते हैं। अच्छा वो पहले नहीं निकला, कहीं पेड़ वेड़ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, सब चला जाए। ठंडी ठंडी हवाएं, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, गर्मी भी है तो चल जाता है वहां पर, क्योंकि एसी है, फैन है, लाइट है सबसे इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर अभी बारिश हुई है तो जैसे लगता है बहुत बड़ी नेमत, इनफैक्ट नेमत है भी, बट ऐसा लग रहा है कि कितना रिलैक्स, कितना सुकून है अभी। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही है, तो सबसे बड़ा सुकून तो यही है, क्योंकि गर्मी अभी 47-44 ये टेम्परेचर जा रहा है, लाइट का कुछ पता नहीं है। अभी कोट गांव में था तो वहां पर ये हाल है लाइट का, कि बता रहे 2 महीने के अंदर हमने 1 घंटे लाइट नहीं देखी, तो वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा पैनल प्रेफर कर रहे हैं। अब ये समझिए कि लाइट की ये हाल है,
चला जाए यहाँ से। तक मुझे वाइपर यूज करना पड़ रहा था, इस जगह पर आया हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं है, पीछे अच्छी खासी हो रही थी। इस टाइम पर शिवपुरी आ चुका हूँ, सो अब वेट कर रहा हूँ कब शायद लोग आ रहे हैं। अब जल्दी आए और चला जाए घर, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। शायद आ गया शायद, चले घर चले। हम दूर। अरे नहीं, चल घर चले। आ नहीं। चल यार अभी नहीं। अरे चल चले चले अभी नहीं चलो। अच्छा 6:55 हो रहा है और अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ और अभी सीधे ऊपर आ गया टेरेस पर, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो अभी इंजॉय कर रहे हैं।